हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अपनी वीकली जो स्किन केयर रूटीन है, मैं आज आपको वो दिखाने जा रही हूँ। तो ये मैंने 2 चम्मच 2 टीस्पून है, ये मैंने मलाई ली है, दूध की मलाई है ये। अब मैं इसमें ग्लिसरीन मिलाने जा रही हूँ 1 टीस्पून। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और अब मैं इसको एक साइड में रख दूँगी। अब मैं 2 चम्मच शुगर लेने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये इसका स्क्रब बनाऊँगी और मैं ये हाफ टोमेटो ले रही हूँ। ये हाफ से भी थोड़ा कम ही लिया है मैंने, क्योंकि वेस्ट जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है हाफ लेने का। तो लेकिन इसका जो प्रोसीजर है, जब मैं यूज़ करूँगी तब इसको आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। तो इसको मैं इसके साथ साइड में रख रही हूँ। और मैं हाफ लेमन ले रही हूँ। लेमन को भी मैं साथ में साइड में रख दूँगी, क्योंकि मैं इसमें अभी स्क्वीज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो शुगर है वो जल्दी से नींबू से मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं इसको इसके साथ साइड में रख लूँगी। जब मैं यूज़ करूँगी आपको प्रोसीजर बताऊँगी, तो तब मैं इस लेमन का यूज़ करूँगी। अब मैं फ्रेंड्स 2 चम्मच ये ग्राम फ्लावर ले रही हूँ। ये प्रोसीजर सारा आप एक ही बाउल में बारी बारी कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं आपको अलग अलग बाउल में बता रही हूँ, लेकिन आप लोग एक ही बाउल में बारी बारी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अब मैं 1 पिंच हल्दी लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है, ये जो मैं क्लीन अप करती हूँ वीकली, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। अब फ्रेंड्स, मैं 1 टीस्पून पतंजलि की एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको अगर प्योर वाली एलोवेरा जेल मिले तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप कोई भी अच्छी कंपनी की जो आपको एलोवेरा जेल मिले आप वो यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैंने ये कच्चा दूध लिया है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी ताकि इसकी जो अच्छी सी पेस्ट बन जाए, जिसे हम अप्लाई कर सकें अपने फेस पे। फ्रेंड्स, मैं इस रेसिपी को तो एवरी वीक फॉलो ज़रूर करती हूँ, और भी जो रेसिपीज़ हैं मैं फॉलो करती रहती हूँ, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊँगी। अभी फ्रेंड, मैं इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को तो मैं फॉलो करती ही करती हूँ एवरी वीक, और भी जो रेसिपीज़ मैं फॉलो करती हूँ अपने फेस के लिए जो चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं आने वाली वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी मिल जाए। अभी फ्रेंड्स, हमने सब जो है यूज़ करना है उसको हमने रेडी कर लिया है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स डैम्प स्पॉन्ज के साथ अपने मैं फेस को क्लीन कर लूँगी। आप नॉर्मल टैप वाटर से आप फेस को वॉश भी कर सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स मलाई और ग्लिसरीन के उस पेस्ट को लूँगी और उसके साथ अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मैं 10 मिनट के लिए मैं अच्छे से मसाज करूँगी। फ्रेंड्स, मलाई और ग्लिसरीन जो है हमारे फेस को, स्किन को सॉफ्ट करते हैं। हमारी जो रूखी त्वचा होती है हमारे फेस की और लिप्स की, उसको सॉफ्ट करते हैं। अब मैं फ्रेंड्स मैं लेमन लूँगी और उसको शुगर में स्क्वीज़ करूँगी, और जो टोमेटो का हमने टुकड़ा लिया था उसके साथ मैं अपने फेस को और नेक को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं अपने लिप्स को भी इसके साथ अच्छी तरह स्क्रब कर लूँगी। ये लिप्स के लिए भी एक अच्छा एक्सफोलिएशन है। लेमन में फ्रेंड्स विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये स्किन की जो पिगमेंटेशन है, ब्लैकनेस है, उसको भी हटाता है।
अब मैं फिर से डैम्प स्पॉन्ज के साथ अपने फेस को क्लीन कर लूँगी ताकि जो स्टिकीनेस है शुगर का और लेमन का वो क्लीन हो जाए। आप फ्रेंड्स एक बार इसको ट्राई करके देखें, ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स अब मैं इस बेसन और हल्दी के पैक को अच्छी तरह मैं फेस पे लगा लूँगी। हल्दी एंड बेसन फेस को ब्राइट करते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्ने की प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। हम इसके सूखने तक इसकी वेट करेंगे, लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा गीला होगा तो हम इसको वॉश कर देंगे। अगर आपके फेस पे हल्के हल्के बाल हैं तो आप हल्के हाथों से इसको रगड़ के उतार भी सकते हैं। अब देख सकते हैं आप फ्रेंड्स पहले से कितना फ़र्क पड़ गया है, जो डर्ट थी वो सारी अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं। प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकॉन है उस बटन को प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।